और ग्वालियर से खबर का रुख कर रहे हैं। कूनो अभ्यारण्य में चीतों की मौत को लेकर के बैठक हो रही है। चीतों की मौत और शिफ्टिंग पर चर्चा की जा रही है। सीसीएफ कार्यालय में ये बड़ी मीटिंग है। इस बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के डीएफओ मौजूद हैं। भोपाल से आए वन्य प्राणी एक्सपर्ट्स वो भी मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। दो चीतों की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो चीतों की शिफ्टिंग और मौत को लेकर चिंतन या समीक्षा आप इसे कह सकते हैं। तमाम डीएफओ और वन्य प्राणियों के साथ में हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नासिर गौरी। नासिर, बताएं इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, फिलहाल 11 बजे से ये मीटिंग है वो जारी है, और जैसे कि जो कूनो नेशनल पार्क में चीतों की जो मौत हुई है और साथ ही शिफ्टिंग को लेकर ये बैठक है वो जारी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक महीने में दो चीतों की मौत हो गई है, और जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उनका रखरखाव सही नहीं था या उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं की जा रही थी, उसी को लेकर आज ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी डीएफओ हैं वो और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के जो अधिकारी हैं भोपाल से और सीसीएफ है कंजर्वेटरी फॉरेस्ट है वो उन्हीं सबके बीच में ये मीटिंग है वो चल रही है। सुबह 11 बजे से ये मीटिंग है और लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है तब से ये मीटिंग चल रही है। तो कुछ ना कुछ एक बड़ा निष्कर्ष निकल सकता है कि लगातार जैसे कि एक महीने में दो अगर चीतों की मौत हो गई है साथ ही शिफ्टिंग के दौरान कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल सकता है कि ये वजह रही है कि ये चीतों की मौत है वो हुई है, क्योंकि अभी भी देखने में ये आ रहा है कि एक चीता और है वो भी बीमार है। तो कहीं ना कहीं उनके रखरखाव और उनके खान पान को लेकर भी उनकी मॉनिटरिंग को लेकर भी कुछ बड़े दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो नासिर, कोई पॉइंट अब तक सामने आया है? इतने एक्सपर्ट जुटे हैं, क्या कोई ऐसा बिंदु समझ में आया कि वो हैबिटेट नहीं कर पा रहे हैं इस जगह के ऊपर, या उनके खान पान को लेकर कोई चूक हुई है इस बात में, किसी पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि अलग अलग अभी पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की जा रही है और फॉरेस्ट के जो लोग हैं अभी कुछ साझा करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है उनके मुताबिक यही है कि जो बैठक है वो चीतों की मौत और शिफ्टिंग को लेकर है। कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा जो पेश है वो सामने निकल कर आ रहा था, उसी को लेकर ये बैठक है वो जारी है। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार करना होगा कि किस तरह का रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलते हैं, कि क्या जो चीतों की मौत हुई है उसके पीछे मुख्य वजह क्या रही है, और या कोई शिफ्टिंग में कोई बड़ी चूक हुई है, या उनको एनवायरमेंट उधर का वहां का पसंद नहीं आ रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये सभी चर्चा चल रही है, और उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या निकला इस बैठक के अंदर। चलिए इंतजार करते हैं इस मीटिंग के बाद में क्या निर्देश मिलते हैं या किसी के ऊपर कोई कार्य